अमेरिका में सनातन संस्कृति को विराट विहंगम स्वरूप दिया गया। न्यूयॉर्क के पास न्यूजर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि स्वामी नारायण मंदिर के अंदर ही 10 से ज्यादा मंदिर हैं। मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होना है, मगर आज आप घर बैठे देखिए 7 समंदर पार विराट सनातन धाम। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, एक मुख्य मंदिर में 12 छोटे बड़े मंदिर, दस हजार देवी देवताओं की मूर्तियां, भव्यता ऐसी है कि सनातन आस्था में रोम रोम रम जाए, मन यहीं बस जाए। अगर आप भी इस मंदिर में दर्शन करने की इच्छा रखते हैं तो आप पहुंच जाइए अमेरिका, जहां न्यूयॉर्क से 90 किलोमीटर दूर न्यूजर्सी में नया अक्षरधाम श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। 12 साल से बन रहा स्वामी नारायण मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार है। 8 अक्टूबर को विधि विधान से विराट मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे तो अमेरिका में उठने वाली सनातन संस्कृति की गूंज दुनिया भर में सुनाई देगी। इसकी वजह है स्वामी नारायण मंदिर की महिमा और भव्य मंदिर का विराट स्वरूप। सफेद और लाल संगमरमर के पत्थरों पर सनातन शैली वाली नक्काशी, सोने की तरह चमकता गर्भगृह और रंग बिरंगे पत्थरों पर उकेरी गई आकर्षक संरचना, विराट परिसर में फैला स्वामी नारायण मंदिर सात समंदर पार्क अमेरिका में सनातन ध्वज का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिरों में शुमार हो गया है। 183 एकड़ में बना अमेरिका का अक्षरधाम मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो 407 एकड़ में फैला है। तक दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का स्थान रहा, जो 155 एकड़ में है, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गया अमेरिका का नया अक्षरधाम मंदिर। इस मंदिर की आधारशिला 2011 में रखी गई थी। 12 साल में न्यूजर्सी के स्वामी नारायण मंदिर को किसी जौहरी की तरह तराशा गया, सनातन मान्यताएं और नागर शैली को कुछ यूं आकार दिया गया। अमेरिका के नए अक्षरधाम मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को सिर्फ लैटिन अमेरिका से ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के अलग अलग देशों से मंगवाए गए। अक्षरधाम मंदिर के हर पत्थर की एक कहानी है। जिन चार तरह के पत्थरों को मंदिर का आकार देने के लिए चुना गया, उनमें चूना पत्थर, गुलाबी बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट शामिल है, जो प्रचंड गर्मी और ठंड का सामना कर सकते हैं। लगभग 2 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर का इस्तेमाल हुआ। बुल्गारिया और तुर्की से चूना पत्थर मंगवाए गए, ग्रीस, तुर्की और इटली से संगमरमर, भारत और चीन से ग्रेनाइट, भारत के बलुआ पत्थरों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया। पिछले 12 सालों से हजारों श्रमिक दिन रात मंदिर निर्माण में जुटे हुए थे और निखर कर आया इतना भव्य स्वरूप जिसने सनातन धर्म का परचम लहरा दिया। अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर को इस तरह दिव्य स्वरूप दिया गया है, जो दिन में जितना आकर्षक है रात में धाम उतना ही मनमोहक। इस बीच इस मंदिर के बीचों बीच एक ब्रह्मकुंड सरोवर का निर्माण कराया गया है, जिसमें भारत अमेरिका समेत दुनिया भर के 300 से ज्यादा जलाशयों का पानी है। चारों ओर बिखरी हरियाली और बीच में गगन को चूमता शिखर, अमेरिका में ये हिंदू धाम दुनिया भर में छा गया। टीम न्यूज़ नेशन।